नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, इसको कौन कौन सी फसल में उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, और लोग अपने खेतों में पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसल और उत्पादन में कमी आ रही है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिलने की वजह से फसलों का उत्पादन, उसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। इस वजह से किसानों की जो आमदनी है वे कम होती जा रही है। तो आज हम में इसी समस्या का समाधान करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमें पारंपरिक खेती को छोड़कर आज की आधुनिक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की तकनीक कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान की आमदनी भी बढ़ाने में मदद कर रही है। भूमि का जल स्तर घटने से वर्तमान में खेती करने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम से खेती करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इस तकनीक के द्वारा पौधों के पास ही लंबी लंबी पाइपलाइनों द्वारा बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। इस विधि के माध्यम से पौधों की जड़ों को पूरा पानी मिलता है, जिससे पानी की बचत होती है और पानी बर्बाद भी नहीं होता। ड्रिप सिस्टम को खेत में लगा दिया जाता है और ड्रिपर्स लाइन को पौधों के आसपास लगाया जाता है। जैसे ही वाटर पंप चलता है, हर पौधे को बराबर पानी मिलना शुरू हो जाता है, और इससे पौधे की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इस विधि के जरिए आप पौधों तक घुलनशील खाद भी पहुँचा सकते हैं, जिससे आपके घुलनशील खाद की भी बचत होती है। यह सिस्टम सब्जियों बगीचों में उपयोग किया जाता है, जैसे टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, कद्दू वर्गीय फसलें और फलों में भी इसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने और पानी की बचत करने में उत्तम माना जाता है। दूसरी विधि का नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा विधि। इस विधि का उपयोग सघन फसलों में किया जाता है। इस विधि में बारिश की तरह ही पानी 4 से 5 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे पानी की बचत की जा सकती है। स्प्रिंकलर सिस्टम को सामान्यतः प्याज, धनिया, गेहूं और लोन में उपयोग किया जाता है। इस विधि में 3 से 4 फीट ऊपर लगी नोजल से पानी चारों तरफ गिरता है और वह बारिश की तरह ही खेतों में गिरता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए जान लेते हैं अब ड्रिप सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, पानी की बचत होती है। दूसरा फ़ायदा, बराबर मात्रा में पानी पौधों को मिलता है। तीसरा, इस विधि के जरिए पौधों को घुलनशील उर्वरक दिए जा सकते हैं और उर्वरक की बचत भी की जा सकती है। चौथा, खरपतवार कम से कम उगती है। पांचवा, असमतल भूमि पर भी पानी दिया जा सकता है, मतलब अगर भूमि समतल नहीं है तो भी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए आप पौधों को पानी दे सकते हैं। छठवा, फसलों की जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। सातवा, समय की बचत होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को एक निश्चित समय और कम समय में सिंचित कर सकते हैं। आठवा, मजदूरों की बचत होती है। नवा, भूमि कटाव से बचती है, इससे सोइल इरोजन की जो संभावना रहती है वह नहीं होती है। और दसवा, बूंद बूंद पौधों की जड़ों तक पहुंचने की वजह से पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। ग्यारहवा, क्योंकि पानी पौधों की जड़ों पर जाता है, इसलिए इस विधि से पौधों की पत्तियों में होने वाली बीमारी से बचाया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नुकसान क्या क्या है। इस विधि में शुरुआती लागत ज़्यादा लगती है। जब आप खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगवाते हैं, तब आपको ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से छोटे किसान इस सिस्टम को अपने खेतों में नहीं लगवा पाते हैं। दूसरा, गंदे पानी की वजह से ड्रिपर्स या तो बंद हो जाते हैं या चोक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई पौधों को पानी बराबर नहीं मिल पाता है। तीसरा,
फिल्टर्स और ड्रिपर्स की देखरेख करना और समय समय पर इनकी साफ़ सफाई करना अति आवश्यक है। इसलिए सलाह दी जाती है कि ड्रिपर्स और फिल्टर्स को हर 15 दिन या एक महीने में एक बार ज़रूर साफ़ करें, जिससे ड्रिपर्स चोक नहीं होंगे और पौधों को समान पानी मिलता रहेगा। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला, इस विधि से पारंपरिक विधि के अपेक्षा पानी की बचत होती है। दूसरा, पौधों को एक समान पानी मिलता है। तीसरा, इसको आसानी से लगाया जा सकता है। चौथा, पानी की बूंदें बारीक होने की वजह से भूमि का कटाव कम होता है। पांचवा, फसल का विकास और वृद्धि अच्छी होती है। छठवा, इस विधि के कारण खेत में माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, जिससे फसल की बढ़वार तेज हो जाती है। सातवा, समय की बचत के साथ साथ मजदूरों की बचत भी इससे होती है। आठवा, असमतल भूमि में भी इस विधि का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के नुकसान के बारे में। पहला, शुरुआती लागत अधिक होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान इसको अपने खेतों में नहीं लगवा पाते हैं। दूसरा, इसकी रेख रखाव अच्छे से करना पड़ता है। तीसरा, इस सिस्टम को तेज हवा वाले स्थानों पर उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हवा की वजह से एक तरफ पानी जाता है। चौथा, पहाड़ी इलाकों में इसका उपयोग सीमित स्थानों पर ही किया जा सकता है। ऊपरी स्थानों पर प्रेशर कम होने की वजह से पानी दूर तक नहीं जाता है, इसलिए इसका उपयोग पहाड़ी इलाकों में एक सीमित स्थानों पर ही किया जाता है। पांचवा, नोजल या तो कभी कभी बंद हो जाते हैं या चोक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कई बार खोला जाता है और इनकी देखरेख की जाती है। इसलिए ये बताया जाता है कि हर 15 दिन या 30 दिन में एक बार नोजल को खोलकर उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जय किसान, जय विज्ञान।